एनआरसी का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर निकल आया है। इस बार असम नहीं बिहार में एनआरसी लागू करने की मांग उठी है। बिहार बीजेपी के नेता प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि राज्य के सीमांचल क्षेत्र में जनसंख्या का संतुलन बिगड़ गया है, जो काफी चिंताजनक है। सीमांचल क्षेत्र के पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज में सबसे ज्यादा जनसंख्या का संतुलन बिगड़ा है। उनका आरोप है कि यहाँ की जमीन, रोजगार और व्यापार पर बांग्लादेशियों का कब्जा है। जिस प्रकार से जनसंख्या का असंतुलित हो गया था आसाम में, वहाँ एनआरसी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लागू किया गया और 19 लाख लोगों को चिन्हित किया गया है कि ये सब बाहर से आए हुए घुसपैठिए हैं। बिहार के अंदर में भी जो सीमांचल का क्षेत्र है, लगभग 7-8 जिले उससे प्रभावित हैं। आप उन जिलों को आकलन कीजिएगा तो 1971 के बाद उस जिलों के जनसंख्या का असंतुलित हो गया है। बिहार के अन्य जिलों के माफिक वहाँ बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ी है। अन्य जिलों में जिस प्रकार से जनसंख्याएं जो है से बढ़ी है, उससे कई गुना अधिक उन क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ी है, जिससे यह लगता है कि ये बांग्लादेश से लोग आ कर करके घुसपैठिए के माध्यम से उस क्षेत्र को अपना ठिकाना बनाने का काम किए हैं। तो एनआरसी के माध्यम से जो हमारे देश के ओरिजिनल वासी हैं और जो बाहर के आए हुए घुसपैठिए हैं, उनको चिन्हित करना चाहिए। बिहार सरकार में बीजेपी की साथी जेडीयू ने प्रदेश में एनआरसी तैयार करने की मांग को पूरी तरह से खारिज किया है। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि असम के लिए जो भी एनआरसी तैयार किया गया है उसमें काफी कमियां हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि बिहार में कोई बांग्लादेशी नहीं है। सबसे पहले तो बिहार के संदर्भ में अब मांग प्रासंगिक नहीं है। ये समझना होगा कि एनआरसी एक ऐतिहासिक करार को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और उनकी मॉनिटरिंग में असम में कराया जा रहा है। इसकी पृष्ठभूमि ये है कि असम में लंबे समय तक घुसपैठियों के खिलाफ चले आंदोलन के नेताओं और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बीच एक समझौता हुआ। उस समझौते में जो भारत की धरती पर एक निर्धारित समय सीमा के बाद जो लोग आए हैं उन्हें घुसपैठिया माना जाए और उनकी पहचान करने के लिए एनआरसी की आवश्यकता पर बल दिया गया। इस एनआरसी की कार्रवाई के दौरान जो असम में असंतोष बढ़ा है और जिस तरह से अनियमितताओं के कारण ऐसे कई महत्वपूर्ण शख्सियत भारत के दिवंगत राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के परिवार के कई सदस्य इस सूची में जगह नहीं पा सके हैं, अर्थ स्पष्ट है उनको भारत की सरजमी से जाना पड़ेगा और ऐसे लाखों लोग हैं। हमारी मांग ये है कि पहले असम में जो इस प्रक्रिया के त्रुटियों के कारण जिन्हें अपनी धरती छोड़ने के लिए विवश होना पड़ेगा उनको एक अवसर मिले और पहचान मुकम्मल करने के लिए निश्चित तौर पर इस प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए और इस प्रक्रिया को बेहतर तरीके से जमीन पर उतारना चाहिए। बिहार के संदर्भ में ये मांग पूरी तरह से बेमानी है, इसका कोई औचित्य नहीं। कभी राज्य में जेडीयू के साथ मिलकर सरकार चलाने वाली आरजेडी ने भी जेडीयू के सुर में सुर मिलाया है। आरजेडी ने कहा है कि बीजेपी सरकार देश में मंदी और विकास दर घटने के गंभीर मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए एनआरसी के मुद्दे को उछाल रही है। देखिए, बिहार में तो ऑलरेडी बिहारी लोग हैं, यहाँ के जन्मजात बिहारी लोग हैं। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी के पास अभी ये पूरी इकोनॉमी फेलियर हो गई है देश की। अब ये छटपट कर रहे हैं कि अब जनता इनसे सवाल पूछेगी कि तुमको हमने 5 साल दिया पिछला, फिर अभी दोबारा दिया। जो इकोनॉमी का जो गिरता हुआ हाल है, डॉलर ऊपर उठ रहा है, और अब इनके पास अब जचने के लिए क्या है? 2020 के लिए कोई मुद्दा है नहीं बीजेपी के पास। तो उन्होंने बिहार में एक नया मुद्दा ला दिया, एनआरसी। एनआरसी की बात बार बार कर रहे हैं। बिहार में कोई भी शरणार्थी यहाँ पर है ही नहीं है, कोई भी घुसपैठिया यहाँ बिहार में नहीं है। लेकिन इनको दिमाग में एक लोगों को डाल देना है कि एक मुद्दा बन जाए कि फिर वोट को पोलराइज करे। लेकिन अब 2020 में जनता पोलराइज होने वाली नहीं है, जनता इनसे। अगर बीजेपी नेता प्रेम रंजन के आरोप सही है तो ये बिहार के लोगों के लिए वाकई बड़ी चिंता की बात है, और अगर ये राजनीति है तो फिर जनता जवाब देगी। पटना से रोहित कुमार सिंह, बिहार तक।